तो हवे राज्यना खेडूतो माटे महत्वना समाचार आवी रह्या छे। तुवेर चना रायडानी टेकाना भावे खरीदी थशे। खेडूतो पासेथी टेकाना भावे कराशे खरीदी। 18 मार्च थी 90 दिवस सुधी टेकाना भावे खरीदी करवामां आवशे। 2.45 लाख मेट्रिक टन तुवेरनी खरीदी करशे। 1.51 लाख मेट्रिक टन रायडानी खरीदी कराशे। 3.24 लाख मेट्रिक टन चनानी खरीदी कराशे। राज्यना अंदाजित 3.25 लाख खेडूतोने मळशे लाभ। तो हाल अमारा संवाददाता गीता जोड़ायेला छे। तो जी गीता, खेडूतो पासेथी टेकाना भावे खरीदी कराशे, तो शुं छे आ मामले वधु विगतो? गुजरात में तुवेर चना और रायडा की आगामी 18 मार्च टेकाना भाव खरीदी शुरू कर आगामी 90 दिवस सुधी चालू रहे, 15 जून सुधी चालू रहे। लाभ अंदाजित 3.20 लाख जेटला खेडूतोने थाय तेवी एक संभावना है। हाल तमाम आयोजन थई चुक्यु छे। गुजरात खेडूतो पासेथी टेकाना भावे अंदाजित रूपया 1,734 करोड़ किंमतनी 2,45,710 मेट्रिक टन तुवेर की खरीदी कर उपरांत रूपया 1,765 करोड़ की किमत 3,24,530 मेट्रिक टन चना और रूपया 853 करोड़ की किमत 1,50,905 मेट्रिक टन जेटला रायडा की खरीदी करने आयोजन कर हाल जे तुवेर पाक की खरीदी है एना 140 जेटला खरीद केन्द्रों, चना की खरीदी 187 जेटला खरीद केन्द्रों। जी आभार गीता, खेडूतो पासेथी। लोकसभानी चूंटणी अंगे सौथी मोटा समाचार आवतीकाले बपोरे 3 वाग्ये चूंटणीनी जाहेरात करवामां आवशे। आवतीकाले लोकसभा चूंटणीनी तारीखो जाहेर थई शके छे। लोकसभानी चूंटणी अंगे मोटा समाचार आवतीकाले बपोरे 3 वाग्ये चूंटणीनी जाहेरात थई शके छे। काले लोकसभानी चूंटणीनी तारीखो जाहेर थई शके छे। लोकसभानी चूंटणी अंगे सौथी मोटा समाचार आवतीकाले बपोरे 3 वाग्ये चूंटणीनी जाहेरात थई शके छे। लोकसभानी चूंटणी अंगे सौथी मोटा समाचार काले लोकसभानी चूंटणीनी तारीखो जाहेर थई शके छे। आवतीकाले बपोरे 3 वाग्ये चूंटणीनी जाहेरात थई शके छे। लोकसभानी चूंटणीनुं जाहेरातनुं काउंटडाउन आवतीकाले बपोरे 3 वाग्ये चूंटणीनी जाहेरात थई शके छे। काले लोकसभा चूंटणीनी जाहेरात थई शके छे। लोकसभानी चूंटणी अंगे सौथी मोटा समाचार काले बपोरे 3 वाग्ये चूंटणीनी जाहेरात थई शके छे। આવતીકાલે બપોરે 3 વાગે ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે। લોકસભાની ચૂંટણી અંગે સૌથી મોટા સમાચાર। લોકસભાની ચૂંટણી અંગે સૌથી મોટા સમાચાર આવતીકાલે બપોરે 3 વાગે ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે। કાલે લોકસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થશે। લોકસભાની ચૂંટણીનું જાહેરાતનું કાઉન્ટડાઉન આવતીકાલે લોકસભા ચૂંટણીની। तो हाल अमारी साथे संवाददाता गीता मेहता जोड़ाई गया छे। जी गीता, आवतीकाले बपोरे 3 वाग्ये चूंटणीनी जाहेरात थई शके छे, शुं छे वधु विगतो? जी, आजे केन्द्रीय चूंटणी पंचनी एक विशेष बैठक मळी हती, जेमां 9 नियुक्त जे चूंटणी कमिश्नरो छे ते पण हाजर रह्या हता। 40 मिनिट जेटली आ बैठक चाली हती અને બેઠક બાદ સૂત્રો જે કહી રહ્યા છે તે એ છે કે આવતીકાલે બપોરે 3 વાગે કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ એક પ્રેસ પત્રકાર પરિષદને સંબોધન કરશે અને વિવિધ રાજ્યોની લોકસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરશે। અને આપણે જણાવવા માંગીએ છીએ કે જેવી તારીખો જાહેર થશે તે સાથે જ સમગ્ર દેશમાં આચારસંહિતા લાગુ પડી જશે, એટલે કે જે તે રાજ્ય સરકાર કેન્દ્ર સરકાર એના જે પ્રચાર પ્રસારના જે કાર્યો છે તેનું પ્રમોશન નહીં કરી શકે। જી જી આભાર ગીતા। लोकसभा चुनाव की घोषणा दोपहर में चुनाव आयोग कर सकता है, और अगर किसी टेक्निकल ग्लिच की, क्योंकि ये घोषणा की तारीख ऐसी चीजें होती है जो चुनाव आयोग अंतिम तौर पे तय करता है, क्योंकि जानकारी थोड़ी सूत्रों के हवाले से बहुत पहले आई है, आधिकारिक तौर पे अभी कुछ नहीं आया है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि कल चुनाव की घोषणा हो सकती है विज्ञान भवन में, दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास ये घोषणा हो सकती है, और इसका हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आधिकारिक जानकारी का सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि चुनाव आयोग कल लोकसभा चुनाव की और विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगा, तीनों चुनाव आयुक्तों की बैठक के बाद ये तय हुआ है कि जल्दी से घोषणा की जाए। जी, वो कौन कौन
प्रमुखता से आगे रखेगा चुनाव आयोग, क्योंकि ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर सीटें बहुत ज्यादा हैं, तो किन किन चरणों में कहां कहां पर कैसे कैसे मतदान होगा उसको लेकर क्या कोई किसी तरीके की जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश में 6 या 7 चरण में लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे, बंगाल में 6 या 7 चरण में चुनाव कराए जाएंगे, बिहार में 6 या 7 वहां भी हो सकता है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 से 4 चरण में वहां लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे, राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, दिल्ली में 1 चरण में होगा, उत्तराखंड में 1 चरण में, हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में, पंजाब में 1 चरण में चुनाव कराए जाएंगे, जम्मू कश्मीर में कई चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, 4 या 5 चरणों में जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है, उड़ीसा में 1 चरण ज्यादा संभावना है, 2 चरण भी हो सकते हैं, तमिलनाडु में 1 चरण, केरल में 1 चरण में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे, इसके अलावा अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 1 चरण या 2 चरणों में वहां चुनाव हो सकते हैं, महाराष्ट्र में 3 से 5 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं, गुजरात में 1 चरण में चुनाव कराए जाएंगे, झारखंड में 2 से 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ में 2 से 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं, मध्य प्रदेश का हमने बताया कि 3 से 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं, उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य हैं वहां 1-1 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, असम की बात करें तो 2 से 3 चरणों में वहां लोकसभा का चुनाव कराया जा सकता है, तो ये आम अगर सरसरी तौर पे देखें तो ये जो है ये है यहां की जानकारी। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से ये भी आ गया है, कल 1:30 बजे आपको बता दें, कल 1:30 बजे News18 India, माफ कीजिएगा, कल 3 बजे के बाद चुनाव की घोषणा होगी News18 India पे, आपको बता दें कल 3 बजे के बाद 3 बजे से चुनाव की घोषणा होगी News18 India, आपको एक्सक्लूसिव तौर पे जानकारी इस वक्त दे रहा है, 3 बजे चुनाव की घोषणा होगी, जिसकी गुंजाइश थी 3 बजे चुनाव आयोग घोषणा करेगा चुनाव की, और दोपहर में ही घोषणा, यानी ये निश्चित हो गया है कि कल ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा, अभी तक डेट को लेकर भी असमंजसता थी, लेकिन क्या अब ये निश्चित है? आधिकारिक तौर पर बिल्कुल आधिकारिक तौर पे इस बात का ऐलान हो गया है कि कल चुनाव की घोषणा की जाएगी, चुनाव आयोग की तरफ से इसकी जानकारी दे आ गई है, जो हमें मिली है अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी सामने आ गई है, और चुनाव आयोग 3 बजे घोषणा करेगा थोड़ी देर पहले। इसके बाद दर्शकों को हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे देते हैं, कल चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, यानी चुनावी शंखनाद कल हो जाएगा, इंतजार अब खत्म हो चुका है, कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और 3 बजे का वो वक्त रखा गया है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जिस तरीके से चुनावी हलचल बढ़ी हुई है, ये तय था कि बहुत जल्द ही इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान करेगा, और आज ये अहम मीटिंग हुई मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के 2 जो चुनाव आयुक्त है उनके बीच समीक्षा की गई तैयारियों को लेकर कि आखिर चुनाव आयोग कितना तैयार है और अलग अलग चरणों में मतदान कराने को लेकर इलेक्शन कमीशन की। तो काले लोकसभा की चूंटनी तारीखों जाहिर थई शके छे, नी साथे गुजरात नी 6 बैठकों नी पेटा चूंटनी नी पण जाहेरात थई शके छे, आवतीकाले लोकसभा नी चूंटनी नी जाहेरात थई शके छे। हाल सौथी मोटा समाचार, आवतीकाले 6 बैठक नी गुजरात नी पेटा चूंटनी नी पण जाहेरात थई शके छे, आवतीकाले बपोरे 3 वागे चूंटनी नी जाहेरात थई शके छे, एनी साथे साथे काले 6 बैठक नी पेटा चूंटनी नी पण जाहेरात थई शके छे। लोकसभानी चूंटणीनो काउंटडाउन आवतीकाले 6 बैठक, विधानसभा चुनाव की घोषणा 7 में होगी कि नहीं इसकी गुंजाइश अभी जो हमें हिंट दिया गया उसके मुताबिक कम है, लेकिन चुनाव की घोषणा जो है कल होगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के लिए आधिकारिक तौर पे चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया गया, जब आपसे बात हो रही थी उसी दौरान उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आया और आपसे बात ही हो रही थी कि दोपहर का कोई वक्त मुकर्रर किया जाएगा, लेकिन उसमें 3 बजे का ही वक्त था, 3 बजे से चुनाव की घोषणा का ऐलान किया जाएगा और अगले 1 से 1.5 घंटे में यानी 4:30 बजे तक चुनाव की घोषणा पूरी कर दी जाएगी। कल चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और लोकसभा चुनाव की घोषणा का ऐलान कर दिया है, कल चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक बार फिर News18 India के दर्शकों को बता दें, अप्रैल और मई में मतदान की तारीख होगी, मतगणना की तारीख जो है वो मई के अंतिम हफ्ते में या फिर जून के पहले हफ्ते में, मई के अंतिम हफ्ते के दौरान या जून के पहले हफ्ते में मतगणना की तारीख होगी। इसके अलावा जो चुनाव की तारीखें हैं, ये कल की बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान कर दिया जाएगा। प्रशांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रशांत ओवर टू यू।
और ये सबसे अहम खबर भी है कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। लेकिन देश भर में किस तरीके का हाल है, क्योंकि अब पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो जिस तरह के आंकड़े सामने आए थे वो सबसे अहम है। जिस तरह से पूरे देश में 2019 का चुनाव हुआ था, तस्वीर कुछ इस तरह। तो मोटा समाचार प्राप्त थई रह्या छे, आवतीकाले 6 बैठकनी चूंटणीनुं एलान थई शके छे। इलेक्शन कमीशन जे चूंटणीनी जाहेरात करी शके छे बपोरे 3 वाग्यानी आसपास जाहेरात करवामां आवशे तेवी जाणकारी। कालनो ए दिवस ज्यारे जाहेरात करवामां आवशे 16 માર્ચે બપોરે 3 કલાકની આસપાસ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવશે અને બની શકે કે 7 તબક્કામાં આ ચૂંટણી યોજવામાં આવે। 7 તબક્કામાં આખા દેશભરમાં લોકસભાની ચૂંટણી યોજાઈ શકે છે। ઇલેક્શન કમિશન કાલે બપોરે 3 વાગે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે કે કુછ એસા હી આંકડા ઇસ બાર ભી દેખને કો મિલ સકતા હે, ક્યુંકિ કલ 3 બજે જિસ તરહ સે અબ તમામ એસી એક કે બાદ એક ચીઝે પ્રેસ કોન્ફરન્સ મે રખી જાયેગી। 543 મે સે તેવી જાણકારી મળી રહી છે કે પહેલા કે બીજા તબક્કામાં જ ગુજરાતમાં મતદાન થઈ શકે છે। અલગ અલગ રાજ્યોમાં અલગ અલગ ચરણમાં મતદાનનું આયોજન કરી શકે છે ઇલેક્શન કમિશન। આજે એક પ્રેસ નોટ આવી જેમાં જાણકારી આપવામાં આવી કે 16 માર્ચે જ એલાન કરી દેવામાં આવશે। થોડા દિવસો પહેલા એવી જાણકારી આપવામાં આવી હતી કે 15 માર્ચ સુધીમાં તારીખોનું એલાન થઈ જશે, પરંતુ આજનો દિવસ જ્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ માટેનો જે તારીખ છે તેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। પ્રેસ નોટ આવી જેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે 3 કલાકે ચૂંટણી કમિશનર જે જાહેરાત કરશે કે આખરે કઈ રીતે આ વખતે ચૂંટણીનું આયોજન કરવામાં આવશે। 7 તબક્કામાં બની શકે કે આ ચૂંટણી દેશભરમાં યોજવામાં આવે। આ સિવાય જે ખાલી પડેલી બેઠકો છે વિધાનસભાની, ત્યાં પણ પેટા ચૂંટણીની જાહેરાત કરવામાં આવશે। આવતીકાલે 6 બેઠકની પેટા ચૂંટણીની પણ જાહેરાત થશે। જે 6 બેઠકો ખાલી પડી છે ગુજરાતમાં, વિસાવદર, વાઘોડિયા, પોરબંદર, તે બેઠકો પર ચૂંટણીની તારીખોનું એલાન થશે। ખંભાત, વિજાપુર, માણાવદર બેઠક હાલ ખાલી છે, તેને લઈને પણ કાલે જ જાણકારી આપવામાં આવશે કે કાલે લોકસભાની ચૂંટણીની સાથે સાથે વિધાનસભાની ચૂંટણી આખરે કઈ કઈ તારીખોના દિવસે યોજવામાં આવશે। પ્રેસ નોટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 3 કલાકે, બપોરે 3 કલાકે આખી જાણકારી વિગતવાર ચૂંટણી કમિશન જે છે તે આપશે અને સાથે જ આચારસંહિતા દેશભરમાં લાગુ થઈ જશે। सभा चुनाव की दूसरी चीज, ज्यादातर जो बड़े राज्य खासकर चुनावी दृष्टिकोण से और चुनौतीपूर्ण राज्य, वहां कई चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 4 से 5 फेजेज में लोकसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे, उत्तर प्रदेश में 6 या 7 चरण में, बिहार में 6 या 7 चरण में, बंगाल में 6 या 7 चरण में, केरल में 1 चरण में चुनाव होगा, तमिलनाडु में 1 चरण में, मध्य प्रदेश में 3 से 4 चरण में हो सकते हैं, राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, गुजरात में 1 चरण में होगा। एक बार फिर हम लगातार आपको रिपीट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में 4 से 5 चरणों में, दिल्ली में 1 चरण में, उत्तराखंड में 1 चरण में, पंजाब में 1 चरण में, हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में, इसके अलावा जो बाकी राज्य, छत्तीसगढ़ में 2 से 3 चरणों में, झारखंड में 2 से 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, कर्नाटक में 1 या 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। जी, अलग अलग चरणों में यहाँ पर निर्धारित किए जाएंगे चुनाव कब कहाँ कहाँ पर होंगे कल। लेकिन कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, देखिए कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इस बार कुछ देरी जरूर हुई है। 2019 के कंपैरिजन में देखा जाए, 2014 के कंपैरिजन में देखा जाए, तो बेशक जो आगे की तारीखें होंगी वो भी खिंचेंगी ही। देखिए बिल्कुल थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा रहा था कि 15 मार्च के आसपास चुनाव की घोषणा होगी। और चुनाव आयोग में क्योंकि अचानक से इस तरह की स्थिति भी बनी, हालांकि कानून या संविधान ये नहीं कहता कि अगर चुनाव आयोग में एक ही चुनाव आयुक्त है तो वो चुनाव की घोषणा संपन्न करवा सकते हैं नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं है, एक चुनाव आयुक्त भी करवा सकता है। लेकिन कोरम अब पूरा हो गया है, 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी हो चुकी है, कल उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो अब लगभग काम पूरा है। और चुनाव आयोग ने पहले ही
सारा काम पूरा कर लिया था। तमाम राज्यों के दौरे हो गए थे, चाहे वो हम जम्मू कश्मीर की बात करें, बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तमाम राज्यों में चुनाव आयोग की टीम गई थी। वहां पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ उनकी बैठकें हुई थी। एक बार जब पूरी सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठकें राज्य सरकारों के साथ, राज्य प्रशासन के साथ हो जाती है, उसके बाद चुनाव आयोग ये फैसला लेता है। अब हालांकि कल दोपहर 3 बजे ये घोषणा की जाएगी और ये बताया जाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होंगे, क्योंकि पिछली बार 7 चरण में चुनाव हुए थे और उसमें बीजेपी को 2014 में एक बड़ा मैंडेट मिला था, 19 में उससे बड़ा मैंडेट वो लेकर आई और 24 के लिए उससे बड़े मैंडेट का दावा कर रहे हैं। वहीं विपक्ष भी लगातार एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, एक संयुक्त गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अब चुनावी गर्मी, जैसे दिल्ली में और उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से गर्मी थोड़ी बढ़ने लगी है, तो अब वो गर्मी बहुत तेजी से बढ़ेगी। राजनीतिक गर्मी भी होगी उसमें और मौसम की गर्मी भी। तो देश का सबसे बड़ा चुनाव, वैसे भी लोकतंत्र में चुनाव को सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाता है और लोकसभा चुनाव से बड़ा कोई चुनाव नहीं हो सकता, तो कल से उसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। जी विक्रांत, और लगातार यही अनुमान भी लगाया जा रहा था कि 6 से 7 चरण ही होंगे जिसमें चुनाव कराया जाएगा, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी देरी यहां पर हुई है तो हो सकता है जो 6 से 7 चरण है वो आगे और ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। हालांकि वक्त पूरा यहां पर खींचेगा जरूर। और आशिका भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल जानकारी ये कि पश्चिम बंगाल में संभव है कि अगर 7 फेज में ये चुनाव हो रहे हैं तो 7 फेज में पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में चुनाव होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि सुरक्षा के सबसे ज्यादा कड़े इंतजाम पश्चिम बंगाल। शिरीष काशिका जोड़ाई गया छे, तमने साथे बातचीत करिए। शिरीष जी, जे रीते काले 3 वागे એલાન થઈ શકે છે ચૂંટણીનું, પ્રેસ નોટ પણ આવી ગઈ છે અને ઇલેક્શન કમિશન 3 વાગે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે, શું લાગી રહ્યું છે આપને? કેટલા ચરણમાં આ વખતે લોકસભાની ચૂંટણીનું આયોજન થશે દેશભરમાં? મને એવું લાગે છે કે મોટા ભાગે ગયા વખતે જે પ્રણાલી ચીફ ઇલેક્શન કમિશનર અને બાકીના ઇલેક્શન કમિશનરો અનુસર્યા હતા, મોટા ભાગે એ રીતે 6 કે 7 તબક્કામાં સમગ્ર દેશમાં લોકસભાની ચૂંટણી થાય એવી સંભાવના છે। કદાચ 1 કે 2 ફેઝ થોડા આગળ પાછળ હોઈ શકે એવું બની શકે, કારણ કે ઇલેક્શન કમિશને એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે ફેર એન્ડ ફ્રી ઇલેક્શન થાય, અને એના માટે જે તે રાજ્ય સ્તરે તો બધી વ્યવસ્થાઓ એની પાસે હોય છે, પણ ખાસ કરીને જે પેરામિલિટરી ફોર્સિસ અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં સ્થાનિક પોલીસને જે સહયોગ જોઈતો હોય છે, એના માટેનું જે ડિપ્લોયમેન્ટ છે એ ડિપ્લોયમેન્ટની પ્રોસેસ બહુ જ જેને કહેવાય કે સમય માગી લેવી હોય છે, એટલા માટે એ અલગ અલગ તબક્કાઓમાં મોટા ભાગે 5 કે 6 તબક્કા કે 7 તબક્કામાં વોટિંગ જે છે એ સ્ટેટ વાઇઝ ડિક્લેર કરતું હોય છે ઇલેક્શન કમિશન। અને મને એવું લાગે છે કે મોટા ભાગે ગયા વખતે પણ જે પ્રોસેસ થઈ હતી એની આસપાસ જ પ્રોસેસ થવી જોઈએ, કારણ કે જે મેન્ડેટ છે એ 2nd week of May સુધીમાં આપણે જે છે એ ઇલેક્શનની પ્રોસેસ પૂરી કરીને રિઝલ્ટ ડિક્લેર કરી દેવા જોઈએ એવું ઇલેક્શન કમિશનનું મેન્ડેટ છે। એટલે મોટા ભાગે કહું છું ગયા વખતની પ્રક્રિયાને જ કદાચ આ વખતે પણ અનુસરવામાં આવે એવું લાગે છે। શિરીષજી, ગુજરાતમાં કેવી રીતે આયોજન થશે? શું અલગ અલગ ચરણમાં મતદાન થશે કે પછી એક જ તબક્કામાં મતદાન કમ્પ્લીટ કરી દેવામાં આવશે? મારા ખ્યાલ પ્રમાણે ગુજરાતની તો માત્ર 26 બેઠકો છે અને ગયા વખતે પણ આપણે એક જ તબક્કાની અંદર મતદાન થયેલું, અને જે મોટા રાજ્યો છે ખાસ કરીને ઉત્તર પ્રદેશ કે એવા રાજ્યો છે કે જ્યાં સીટોની સંખ્યા વધારે છે અને ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ પણ જે બહુ વિશાળ છે એવા રાજ્યોની અંદર બને કે કદાચ જે છે 1 થી વધારે ફેઝમાં થાય, પણ ગુજરાત કે બીજા રાજ્યો કે જ્યાં 25 બેઠકો 30 બેઠકો છે ત્યાં તો 1 જ દિવસની અંદર વોટિંગ જે છે એ બહુ સરળતાથી થઈ શકે। એટલે મને એવું લાગે છે કે ગુજરાત તો જે ફેઝમાં આવે, ગયા વખતે આપણે મને લાગે છે લગભગ 3rd કે 4th ફેઝમાં હતા અને એપ્રિલ એન્ડમાં આપણું વોટિંગ આવેલું, તો સંભવ છે કે એ પ્રમાણે ફરીથી કદાચ આવે તો પણ 1 જ દિવસમાં આપણું વોટિંગ આવે ગુજરાતનું એવું મને લાગે છે। શું તમને એવું લાગે છે કે મેની એન્ડ સુધીમાં તમામ તબક્કા કમ્પ્લીટ થઈ જશે, પૂર્ણ થઈ જશે? હા, ગયા વખતે પણ આપણે જોયું હતું કે મિડ મે અથવા તો મને લાગે છે 3rd week of May સુધીમાં તો વોટિંગ પ્રોસેસ બધી પૂરી થઈ ગઈ હતી તમામ તબક્કાઓની અને રિઝલ્ટ પણ ડિક્લેર થઈ ગયું હતું। એટલે જે પ્રકારે એમ માની લઈએ કે આપણે ગયા વખતે જે પ્રકારે જે સમયે
ચૂંટણી તારીખોની ઘોષણા થઈ હતી એ જ સમયના આગળ આ વખતે પણ થઈ રહી છે, એટલે કે આવતીકાલે થઈ રહી છે અને મોટાભાગે તબક્કાઓ પણ એ જ રહેવાની ગણતરી છે. એક બે તબક્કાઓ કદાચ આગળ પાછળ થઈ શકે એ કઈ રીતે એમણે આયોજન જે તે રાજ્યોના ચૂંટણી કમિશનરો સાથે મળીને કર્યું છે એના ઉપર આધાર છે. પણ મોટાભાગે ગયા વખતની ફોર્મ્યુલા જે એટલીસ્ટ 1.5 થી 2 મહિનાની અંદર સમગ્ર પ્રક્રિયા પૂરી કરવાની થાય મને લાગે છે કે એને જ ફોલો કરવામાં આવશે અને એ પ્રકારે જ પ્રક્રિયા પૂરી થશે. આભાર શિરીષજી અમારી સાથે વાતચીત માટે. તો કાલે જે 3 વાગે પ્રેસ કોન્ફરન્સ થવાની છે તેમાં 7 ચરણમાં ચુનાવની જાહેરાત કરવામાં આવશે, ચૂંટણીની જાહેરાત કરવામાં આવશે તેવી જાણકારી અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. હવે સમગ્ર નજર મંડાયેલી રહેશે એ પ્રેસ કોન્ફરન્સ તરફ, કારણ કે કાલનો દિવસ નિહિત કરવામાં આવ્યો છે ચૂંટણીની જાહેરાત માટેનો. તો કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે, લોકસભા ચૂંટણી માટે હવે તૈયાર રહેવું પડશે અને જે મતદારો છે તેમને પણ કાલે એ દિવસ એ તારીખ નોટ કરી લેવી જોઈએ જ્યારે આ ચૂંટણીના મહાપર્વમાં તમને સામેલ થવું પડશે અને સૌ કોઈ ઉત્સાહમાં આવી ગયા છે. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ અને નજર કરીશું Top 3 News પર. અમિત શાહનો ઝંઝાવાતી ચૂંટણી પ્રચાર, અમદાવાદના સુભાષ ચોકના હનુમાન મંદિરે દર્શન કરી પ્રચારના શ્રી ગણેશ કર્યા. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા ભાજપની મહત્વની બેઠક દિલ્હીમાં, આવતીકાલે તમામ પ્રદેશોના ચૂંટણી સંયોજકોના વર્કશોપ પહેલાનું આયોજન. સાબરકાંઠા કોંગ્રેસમાં ભંગાણ, તલોદ કોંગ્રેસના નેતાઓ સહિત 100થી વધુ કાર્યકર્તાઓના કેસરિયા.